भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। वो भी चुनके पहने हुए नहीं, याद रखिए, उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, इंडी गठबंधन के नेताओं पर पाकिस्तान की छाप है उनके बयानों पर। आपकी हक में जंग होनी चाहिए कश्मीर की। बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के, बेशक गुस्सा लगे, लेकिन हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। 370 ये जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने सुना है, सबसे बेहतर बात उन्होंने की है, जंग धोया। ये कश्मीर मिलेगा कैसे हमें, जंग से मिलेगा? तो पहले तीन जंगे हो गई है। कोई मसला नहीं, इंडिया की ऐसी जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ठीक है, ठीक है, हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए हमें। जंग के अलावा तो और कोई हल है नहीं, प्यार से तो उसने देना नहीं है। हम इन जंगे करके भी देख ली है, जंग तीन छोड़ो के हम 500 जंग करने भी अड़ेंगे ना, तो फिर भी हम करेंगे ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव होंगे, सब कुछ होगा, मगर ये देश रहना चाहिए। तो मैं इसलिए देश की जनता से कहना चाहूंगा कि कहनी है एक बात, मुझे आज देश के प्यारों से संभल कर रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। जंग के लिए चाहिए क्या? सही बात है, जज्बा जज्बा जज्बा। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ कि ये कोई खंबा है या कोई पिलर है या ये जज्बे से ये रिक्शा उठा के दिखाए मुझे जरा। ठीक है जी, किसी बहादुरी का देख, हमारी जानों का जज्बा देख, ये रश्का उठाने का क्या जज्बा आया? किसान के आटम अगर तो किसी की शादी के लिए बना हुआ है, किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे की शादी पे चलाना ना, फिर हम कहते हैं ये तो बना उस काम के लिए, ये बना मुल्क के दिफा के लिए, इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए, कल को हम चलाएं ये चले ही ना भाई, इसको ट्राई करें व्हाइट हाउस के ऊपर फेंकें, मोदी के घर में फेंकें, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। जय दोस्तों, जय श्रम। तो भाई एक बात बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था, भगवान भी नहीं था जो रावण को हरा दे। अगर विभीषण ना बताता कि भाई इसको तीर कहां पर लगाना है, यानी कि भाई ये कहावत जो बनी थी, घर का बेदी लंका ढाए, बिल्कुल सच है। देखिए आप लोग बाहर के आतंकी कोई भी हो, किसी से भी लड़ सकते हो, बट जो आपके घर के अंदर बैठा भाई, वो तो ना तो ये पता लगेगा कौन सा सांप है और कैसे उससे लड़ना, ये आप नहीं बता सकते। आप लोग वीडियो देखिए क्या कुछ हुआ, मैं वीडियो के बाद में बात करूंगा। हम अपनी आर्मी हटा लेते अगर इंडिया आ गया तो? नहीं, इंडिया की इतनी जरूरत नहीं है, हमारे पास एटम बम है, हम एटमी ताकत है, तो इंडिया की जरूरत नहीं है वो। इंडिया के पास एटम बम नहीं है, लेकिन वो डरता है, हमारे पास इस्लाम की ताकत है। 22 करोड़ मुसलमान है, आप क्या बात कर रहे हैं? 22 करोड़ जो मुसलमान है, कश्मीर की बात करते हो आप, इंडिया का कश्मीर ले आते हैं? नहीं, वो हमारे अटूट अंग है, हमारा हिस्सा है, वो तो आने आजादी के लिए सब आएगा। आप कल जंग करवा दो, पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा आगे होगा। क्यों? जज्बा है जंग का, जरूर आएंगे, ये खड़े किसी भी पूछ ले, अभी कॉल कर दे सब जाएंगे। लेकिन जो अब की हुकूमत है वो पैसों के सर दम पे बैठी हुई है, अब जहाँ आपको पता है सब पता है, ये पैसे किसके हैं? पैसे की हुकूमत पे ही सब कुछ चल रहा है, ये पैसे किनके हैं जो जा रहे हैं? कश्मीरों का मुसलमान मरना ही तय है, बस यही है। पाकिस्तान के पास जो आइटम भी है वो अगर रूस को देवे ना, अगर रूस को दे देवे, पाकिस्तान पूरा अमीर बन जाएगा, पाकिस्तान पावरफुल अमीर बन जाएगा, एक एक बच्चा अमीर बन जाएगा। अगर हम नहीं देते ना, हम किधर आइटम बम हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। अच्छा, आप अपनी ओपिनियन है, इधर मजीद भी लोगों से बात करेंगे। मुझे आप ये बताइए, आप किस हक में है, जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के, बेशक गुस्सा लगे, लेकिन हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। 370 ये जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र छोटी है। पहले तीन जंगे लड़ी, जज्बा भी था, किताब नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह है, आज भी है, जी है, ठीक है। तब तो हमारे साथ अमेरिका बहादुर भी मौजूद थे, तब हम ये तीन जंगे उस तरीके से कश्मीर के मामले में लड़ी नहीं जीत पाए, या वो जो मकसद था। फिर आप एक काम करें ना, अगर हमने कश्मीर की जंग नहीं लड़नी, अच्छा। देखिए आपकी बात भी आ जाते हैं, अगर आप कहते हैं कि कौम का और हुक्मरानों का जिस दिन हमने जंग नहीं लड़नी, तो फिर बॉर्डर खोल दें, अच्छा। पाकिस्तान को हिंदुस्तान में जम कर दें, खत्म हो जाएगी बात, फिर तो लड़ाई खत्म हो जाती है। हमारा पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि पता लगे हलाली कौन है और हरामी कौन है, हमारा फर्क जो ये खत्म किया ना हमने, ये जो फर्क तो नहीं था, ये था कि देखे ना, जब हम कुफार के साथ लड़ रहे थे, अच्छा, जो उधर मुसलमान रह गए वो भी क्या, तो इधर काफर भी रह रहे हैं, सिख भी मौजूद है, हिंदू भी मौजूद है, ईसाई भी मौजूद है, अकलियत की कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है। लड़ी किसके साथ जाती है? कुफर के साथ। नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या सामान क्या चाहिए? जंग के लिए सामान ये है, जो डॉक्टर कदीर साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हमें इतना बड़ा आइटम दे हमारे बाबा, उनके पास भी है, हमारे तो चलाए ना भाई, ये किस लिए है? ये किसी शर्त का नुकसान होगा ना, जान जब कुरान कह रहा है जहाद फर्ज है, आप इंसानियत कहां से ले आए? अच्छा, यानी इंसानियत पहले है या जहाद पहले? चलेगा पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है।
ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। लेकिन वहां की आवाम आज की तारीख में, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो आवाम है, जो पब्लिक है, जो गिलगित बल्टिस्तान की पब्लिक है, वो खुद खड़ी हो गई और कहती है कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा अब नहीं रहना है। बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, अब हमें भारत के साथ मिलना है। ये हमने टेलीविजन पे देखा है, ये हमने सोशल मीडिया पे देखा है दोस्तों। ये बात हुई है कि सारे रास्ते खोल दो और कारगिल से हमको जोड़ दो, ये सब बातें वहां पे हो रही हैं। कारगिल के उस तरफ है गिलगित बल्टिस्तान, जाहिर सी बात है वो लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं, जो पीओके के लोग हैं। पीओके वो एरिया है जिसको दोस्तों पाकिस्तानी बड़े फख्र के साथ आजाद कश्मीर बोलते हैं। ना वो कश्मीर है, ना वो आजाद है, लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तानी बोलते हैं तो बोलने दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। मोदी जी, आज कश्मीर की बेटियां ना पंख लगा करके उड़ रही हैं। आज कश्मीर की बेटियां एक बार भी नहीं सोचती है कि मुझे कोई कंट्रोल कर सकता है। लेकिन मैं आज सुबह 7:20 में लैंड की हूं पश्चिम बंगाल से, क्या कोई समझ सकता है संदेश खाली का हाल क्या हो रहा है? रूल किए हैं मुसलमान बेटियों पर, लेकिन इस चेन को तोड़ करके मोदी जी को कश्मीर की बेटियों की तरह हमें भी आजाद कराना पड़ेगा। कश्मीर की बेटियां मलाला यूसुफजई नहीं है, पर बंगाल की बेटियां निर्भया जरूर हो चुकी हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली, देखिए भाई मैं अभी क्या कहूं। चलो, ऐसी खबरें हर रोज पाकिस्तान से हमें सुनने को मिलती थी, भाई हमारे पास एटम बम है, हम भारत को उड़ा देंगे। मैंने वीडियो के अंदर क्लिप दिखा भी दी है, पाकिस्तानी ये भी बोलते हैं भाई हम तो एटम बम के वो गोले हैं, कभी भी कहीं भी फट सकते हैं। और जो 24 करोड़ पाकिस्तानी नागरिक है, मेरा ये मानना है भाई पाकिस्तान के पास 24 करोड़ एटम बम है, क्योंकि बिना बुद्धि का इंसान, बिना बुद्धि का इंसान होता वो कहीं भी फट जाता है। देखिए वो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, एक बता देता हूँ, गु होता है ना, गु टॉयलेट, गु में ईंट डला मारोगे तो छिंटम छिंट आप ही धस जाओगे। तो देखिए, पाकिस्तानियों से बात करना, पाकिस्तानियों से युद्ध करना, पाकिस्तानियों से भिड़ना, इससे बेवकूफ वाली बात हो ही नहीं सकती। और हमारे राजनाथ सिंह जी ने यही बात बोली है, हम ना तो जंग करेंगे, ना तलवार चलाएंगे, ना गोली चलाएंगे, ना कोई खून खराब होगा। 3-4 दिन पहले आप लोगों ने देख लिया होगा कि शोएब चौधरी ने एक वीडियो डाली थी कि पीओके कश्मीर हम जो बोलते हैं वो आजाद कश्मीर बोलते हैं, बट आजाद है नहीं वो। उन्होंने खुद मांग उठाई थी कि भाई हम यहाँ तो मर रहे हैं, गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, हमारे पड़ोस में ही एक नदी है नील दरिया, उसके इधर ऐसा विकास हो चुका है। वो खुद बोलते हैं कि भाई ये हमें, यानी कि जलील करने के लिए अपने कश्मीर के अंदर विकास कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो भाई वो खुद ही वहां पर प्रोटेक्शन चले हुए हैं, खुद ही आंदोलन चले हुए कि भाई हमें तो भारत में जाना, तो हम क्यों जंग करेंगे। आप लोग क्या रिकमेंडेशन, जय जवाहर, जय श्री राम।